तो ये लालू खेत की संडे मार्केट लगी हुई है बर्ड्स की। टाइम जो है बहुत सख्त हो रहा है, 4:10 हो गए हैं। ओह चेक करो यार आप, एक अडानी का टर्निंग पॉइंट है। सो ये डायरेक्शन है, ये शिप ब्रेकिंग यार्ड है और ये पिकनिक पॉइंट गडानी। आगे निकल चुका है यार, ये गडानी का जो है ना वो पोस्टर है सिर्फ। ये रही तीन तलवार, क्लिफ्टन, दिलपसंद बेकरी। और बाइक वाले गए, ज़्यादा नहीं जाता ये, स्लो चलता है लेकिन पहाड़ों पे चढ़ जाता है ये। व्लॉगर बॉयस कैसे हो, ठीक हो, खैरियत से हो? यहाँ पे पूरा सेटअप लग रहा है, आप चेक करें करें, ये पूरा समंदर है यहाँ और यहाँ से भी पूरा व्यू आता है, बीच है और ये यहाँ बैठने वगैरह की जगह बनाई हुई है, शेड बनाया हुआ है। वाह ये जगह है, ऐसी खतरनाक सी आवाज आ रही है, ये देखो ऐसा लग रहा है कोई वो जानवर है ना गुस्से में बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज 24th of March और रमज़ान के दिन चल रहे हैं। आज जो है हम एक इफ्तार राइड पे जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, दोस्त यानी बहुत सारे दोस्त हैं। बेसिकली दिस राइड इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय राहगीर सैयद सुहेब और काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज की राइड को। सो मैंने भी काफ़ी दिन से राइड नहीं की थी तो मैंने बोला एक शॉर्ट राइड हो जाएगी। राइड जो है वो बीच साइड की है, गडानी बीच की। इस वक्त अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है और मैं जो हूँ बस जैद का वेट कर रहा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना आज की राइड का वो ये है कि गर्मी बहुत ख़तरनाक है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह पाक आसान करेगा, फिर वहाँ पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को रास्ते की वीडियो दिखाता हूँ। फाइनली जैद जो है मेरे साथ कनेक्ट हो गया है और हम लोग निकल चुके हैं और काफ़ी देर हो गई है, टाइम जो है 3:30 हो गए हैं। तो बस अब हमने जो है डायरेक्ट गडानी की लोकेशन डाली है और हम डायरेक्ट वहीं जा रहे हैं। तो होपफुली अगर रास्ते में कोई मिल सका तो मिल जाएगा। मौसम की सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया था कि ख़तरनाक सी गर्मी हो रही है, लेकिन जब बाइक जब चल रही है ना तो थोड़ा सा हवा लग रही है तो बेयरेबल है, वरना जो है ना ये बर्दाश्त वाली गर्मी नहीं है। ये चेक करें, जैद ने जो है ना हमें पता नहीं कहाँ घुसवा दिया। तो ये लालू खेत की संडे मार्केट लगी हुई है बर्ड्स की, हर किस्म के बर्ड्स आपको मिलेंगे। ये मुर्गा सेल हो रहा है और यहाँ पे बड़ा यार बिजनेस चलता है ये भी जो भी है ना ये बर्ड्स का। तो वी हैव जस्ट क्रॉस बुराक पम्प और अब आगे हमारी हब चौकी आएगी। टाइम जो है बहुत सख्त हो रहा है, 4:10 हो गए हैं और अभी हम हब चौकी पे हैं। तो बीच में हमें कुछ राइडर्स भी मिले थे जो सेम डेस्टिनेशन पे जा रहे थे, तो वो अलग अलग ग्रुप्स बना के आए थे। तो मेजरली इस इवेंट पे, इस राइड के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट ग्रुप्स से लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं। हब टूल प्लाजा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अब और मौसम थोड़ा बेहतर हो रहा है यार, और अच्छा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ये गूगल मैप जो है ना ये कच्चे पे ले आया है, मुझे यहाँ ज़्यादा याद था हम अब चौकी से लेफ्ट होते थे, बट गूगल मैप यहाँ ले आया है और यहाँ बना हुआ है माहौल।
ओए चेक करो यार आप, थोड़ा सा मैं तो बोलता हूँ यार, एक एक गोता लगा लेते हैं। पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया है। वी आर हेयर एट गडानी मोड़, ये गडानी का टर्निंग पॉइंट है, और जो सारा ग्रुप था जो सबसे पहले निकला था वो यहाँ पहुँचा हुआ और यहाँ वेट कर रहा है। ही इज़ द गाय सोहेब हु इज़ लीडिंग दिस इवेंट एंड दिस ग्रुप एंड दिस राइड। दिस इज द व्यू ऑफ बीच। कहीं हमें आगे राइट लेफ्ट तो नहीं जाना था। सो ये डायरेक्शन है, ये शिप ब्रेकिंग यार्ड है, और ये पिकनिक पॉइंट गडानी शहर इस साइड पे आता है। नादर रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया हुआ है यहाँ पे, फुल हिसाब किताब है भाई यहाँ पे। आप सीधा सीधा आ जाएं जैद, नहीं वेट करना चाहिए वहाँ पे। जोकियो आगे निकल चुका है, आगे निकल चुका है यार। चल चलो सीधा सीधा चलो भाई। सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड, ऊँट हमें दिखना शुरू हो गए हैं, और समंदर तो काफ़ी देर से दिख रहा है, बट ये अभी अब गडानी शहर क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद जो है शायद तीन तलवार यहाँ पे भी है, उसके बाद जो है बीच आएगा। वही हिसाब है ना, जो मतलब हर बीच से पहले जो थोड़ी सी दुकानें वगैरह शॉप्स वगैरह होती हैं वो सीन है। तो ये फर्स्ट व्यू है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ लिखा है ये गडानी का जो है ना वो पोस्टर है सिर्फ। चलो चलो यार, टाइम वेस्ट नहीं करो यहाँ पे। हम जो है घूम गए हैं शायद, ये रास्ता ही यही है। जो है वापसी जाना है तीन तलवार के पास, तीन तलवार पीछे गुजरी थी तो मैंने जो है ना उसको जोक में उड़ा दिया था, लेकिन असल में हमें तीन तलवार पे जाना था। ये रही तीन तलवार, क्लिफ्टन, हाँ दिलपसंद बेकरी। मुत्तहदा का झंडा लगा हुआ है, राहगीर के बंदे नहीं देने पड़ेंगे पैसे। अस्सलाम वालेकुम, 20 बाइकर गए सारे, और बाइक वाले गए, एक बाइक भी नहीं आई अभी तक। जैद आगे आ गए, हम पीछे। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए, 50 रुपये, 100 रुपये दे, पैसे नहीं है मेरे पास। खुले नहीं है मेरे पास, हैं? ज्यादा नहीं जाता, ये स्लो चलता है लेकिन पहाड़ों पे चढ़ जाता है ये। चलो गडानी बीच, और ये आप चेक करें, खूबसूरत सा मंजर, बहुत प्यारा लग रहा है। नहीं वो देखो मछली पकड़ ली उसने। सो यहाँ जो है वो सेटअप लग रहा है,
और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेफली पहुंच गए। कैसे हो भाई व्लॉगर बॉयस, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? कब आए तुम? अभी अभी पहुंचे हो? अकेले आए हो या ग्रुप वगैरह फड़ के साथ? अच्छा, मैं जो हूँ अब यहाँ पहुँच गया हूँ गड़ानी बीच पे। तो ये कुछ यहाँ पे हिसाब किताब है, सारी बाइक्स और बॉयज हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। अच्छा, ये जो है ये बड़े मज़े का सीन है, यहाँ पे पूरा सेटअप लग रहा है, आप चेक करें। ही इज़ द ऑर्गेनाइज़र और माशाल्लाह से यार बहुत फिट, ज़बरदस्त। यहाँ पे सारा अभी इफ्तार का सेटअप लग रहा है और यहाँ पे जो है बीच है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये गड़ानी की स्पेशलिटी ये है कि इसके जो पहाड़ों का कलर है ना वो बड़ा सा बड़ा यूनिक है, मिक्स है। तो ये ओवरऑल सीन है यहाँ पे। ये पीछे मेरे पीछे समंदर है और ये सारे बॉयज़ हैं, टीम्स हैं और यहाँ पे सारा काम हो रहा है और ये पूरा सेटअप लग रहा है। राहगीर ही इज़ द ऑर्गेनाइज़र ऑफ दिस इवेंट। और भी लोग आए हैं, देखें आवाम काफ़ी है। अब ये है कि मैं थोड़ी जैकेट वगैरह उतारता हूँ अपनी और सेट। ये चेक करें, ये पूरा समंदर है यहाँ और यहाँ से भी पूरा व्यू आता है। जैद वहाँ ऊपर चढ़ा हुआ है। ऐसा सच यहाँ अभी और तो कुछ नहीं है दिखाने को, बट मैं थोड़े से व्यूज़ वगैरह आप लोगों को दिखा दूँ और खुद भी देख लूँ। अच्छा, आप अगर फैमिली के साथ आना चाहें तो आप इस तरह आ सकते हैं। यहाँ पे जो है ना बीच है और ये यहाँ बैठने वगैरह की जगह बनाई हुई है, शेड बनाया हुआ है। वाह। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो पानी आता है, उसकी आवाज़ है ये सारी। मैं घबरा गया, मैंने बोला कैसी आवाज़ आ रही है ये, हो सकता है कैमरे में रिकॉर्ड ही हो। अच्छा, एक जो है ना मज़े की चीज़ मैं काफ़ी देर से विटनेस कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और सुन पाता हूँ कि यहाँ से जो है ना ये जगह है ऐसी खतरनाक सी आवाज आ रही है, मैं आपको दिखाऊं। ऐसा लग रहा है कि कोई ना मतलब ये दिखा, ऐसा लग रहा है कोई वो जानवर है ना गुस्से में बैठा हुआ है। लेकिन ये जो है ना बेसिकली यहाँ से जो सारा पानी अंदर आ रहा है ना उसका प्रेशर और उससे हवा बन के यहाँ से निकल रहा है। Amazing. दिखेगा नहीं यहाँ से, लेकिन तो ये मैं जो ना जब पहली बार आई ना आवाज तो मैं घबरा गया, मैंने बोला ये क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? क्या बना रहे हैं? कढ़ाई। अरे जबरदस्त भाई, ऐसी जबरदस्त लग रही है भाई ये तो। I'm
इफ्तार हमने कर लिया है और अब जो है खाने का वेट हो रहा है और लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं। ये देखें, मतलब यार प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर बहुत बहुत अच्छा लगा यार, मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हम बाइक राइड करके आए हैं और हर चीज़ पहले से रेडी, बहुत ज़बरदस्त। बेहतरीन से इवेंट की जो है फाइनल चीज़ आ गई है और वो है ये कढ़ाई, चेक करें कढ़ाई। लाइव कढ़ाई है ये, यहीं का यहीं बनी है और खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है और इसके साथ ये गार्लिक नान हैं, बहुत खूबसूरत है। तो अब जो है बस लग रही है भूख, तो मैं थोड़ा सा खाना वाना खाऊँगा। सो वी आर ऑल डन विद दिस इवेंट, माशाल्लाह से खाना भी बहुत ज़बरदस्त था और सारी चीज़ें हो गई और बहुत अच्छा इवेंट रहा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था, काफ़ी मज़ा आया। राइड छोटी सी थी लेकिन जो यहाँ पे इवेंट में चीज़ें हुई उसमें काफ़ी मज़ा आया। सो अब फाइनली ये है कि हम लोग अब वापसी की तरफ निकल रहे हैं और इंशाल्लाह मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग देख देखिएगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।